अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन अदर व्लॉग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपनी सहरी की रूटीन शेयर करती हूँ और आप लोगों को बताऊँगी कि हम लोग USA में किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं रमज़ान को, और मेरी जो सहरी की रूटीन है वो क्या है, मैं किस तरह से सहरी करती हूँ, क्या क्या बनाती हूँ, क्या हम लोग खाते हैं सहरी में, तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी। बाकी इंशाल्लाह थ्रू आउट पूरा वन मंथ रमज़ान में आप लोगों के साथ बहुत सारी डिटेल्स भी शेयर करती रहूँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो यहाँ पर सहरी की जो टाइमिंग है ना, यहाँ पर 6:27 पर रोज़ा बंद होता है और मैं 4 बजे किचन में आ जाती हूँ। मुझे सहरी तैयार करनी होती है और सिर्फ उस्मान के लिए और अपने लिए सहरी बनानी होती है तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो इसलिए बस फिर 4 बजे या 4:30 तक मैं आके सहरी बनाना शुरू कर देती हूँ। तो अभी आप मेरा फेस देख रहे होंगे, मुझे उस टाइम बहुत नींद आई हुई थी लेकिन मैं नहीं सोई थी क्योंकि मेरे काम बहुत ज़्यादा थे तो मैं सो नहीं सकती थी, लेकिन मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। लेकिन मुझे अपना व्लॉग भी शूट करना था और तरावी भी पढ़नी थी और कुरान पाक पढ़ना था, क्योंकि सारा दिन जो है ना मुझे कुरान पाक पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, तो मेरी कोशिश होती है जो रात का टाइम है ना उसमें मैं कुरान पाक पढ़ लूँ। और उसके अलावा मुझे जो अपने न्यू व्लॉग्स बनाने होते हैं उनकी जो एडिटिंग करनी होती है वो भी इसी टाइम पे मैं कर सकती हूँ जब बच्चे सो रहे होते हैं। तो है बस इसी तरह मेरा टाइम चल रहा है, तो मुझे लगता है मैं 24 आवर्स काम कर रही हूँ और सिर्फ इसमें से मुझे 4 या 3 घंटे की नींद मिलती है, उसमें मैंने बस इतना ही सोना होता है। तो ये सब के साथ ही ऐसा होता है और रमज़ान बहुत बिजी होता है सबके लिए, जो बच्चे स्कूल जाते हैं ना उन मदर्स के लिए भी बहुत बिजी होता है, उन्होंने तो सोना नहीं होता बच्चों को स्कूल भेजने के बाद। खैर यहाँ पर मैंने एग निकाले थे तो एग जो था ना बीच में से टूटा हुआ था, तो अच्छा है मैंने इसको देख लिया वरना वो अंदर ज़्यादा अगर टूट जाता ना तो सारे एग्स ख़राब हो जाते हैं। तो उस्मान के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे ओटमील की रोटी, ये मैंने अक्सर आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर की है। तो अभी उस्मान जो है ना अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखते हैं, उनको कोशिश होती है कि वो अनहेल्थी फूड ना खाएं, हेल्थी ही लें, जबकि मैं ना बिल्कुल अपनी डाइट का ख्याल नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं मैंने पराठा ही खा कर सोना है, तो मुझे ना सारा दिन काम करना होता है, इतना ज़्यादा हमारे पर लोड होता है काम का, तो मुझे भूख लगना शुरू हो जाती है, इसलिए मैं अपने लिए पराठा ही बनाती हूँ। तो मैंने तो अपने लिए पराठा बनाया था और उस्मान के लिए मैंने ओटमील की रोटी बना दी थी। खैर ओटमील की रोटी भी बहुत हेल्थी होती है, इसमें भी अच्छी खासी फाइबर होती है, अगर आप ये ही खा लें तो उसके बाद जो है ना आपको भूख नहीं लगती, लेकिन एक शुरू से आदत पड़ी हुई है। मेरी मदर ने हमेशा हम लोग को सहरी में ना पराठे ही बना के दिए थे, तो अभी तक वो आदत है ना मेरी साथ चल रही है, तो हैबिट्स ना जल्दी चेंज नहीं होती आपकी। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं आगे इंशाल्लाह इस रमज़ान में अपनी डाइट को थोड़ा चेंज करूँ, पराठों के अलावा भी कोई और चीज़ खा लिया करूँ। तो बस अपने लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ पराठा, और आज हुआ ये था कि जब मैंने इफ्तार आज बनाई थी, इफ्तार में मैंने खाना बनाया था, शलजम गोश्त का सालन बनाया था, उसके साथ वाइट राइस बनाए थे और थोड़ा सा मैंने चीज़ें फ्राई की थी जिसमें पैटीज थे, समोसा और रोल मैंने फ्राई किया था। तो मैंने सिर्फ एक रोल लिया था और पैटीज लिया, तो वो खाने के बाद मैं इतनी फुल हो गई कि मैंने खाना नहीं खाया और मुझे भूख ही नहीं लगी वो खाने के बाद, इतनी ज़्यादा मैं फुल हो गई थी। तो खाना मैंने नहीं खाया, तो अभी इस टाइम पे मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने अपने लिए सालन निकाला था और शलजम गोश्त का सालन पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा आज भी ये खा लेती हूँ। और मुझे लगता है कि इफ्तार के टाइम ना हम लोगों को अगर फ्राइड फूड बना रहे हैं तो उसके साथ खाना बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए क्योंकि खाया ही नहीं जाता, और मेरे तो है भी, मैंने और उस्मान ने खाना होता है तो काफ़ी ज़्यादा हमारा फूड ना लेफ़्ट ओवर हो जाता है, और आहत के लिए तो मैं वैसे ही सेपरेट फूड बनाती हूँ। खैर अभी यहाँ पर ना मैं लच्छेदार पराठा बनाने वाली हूँ, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक के साथ है, तो आप देखें इसको किस तरह से मैं बना रही हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई करना इस तरह से बना के, बहुत मज़े के इस तरह से ना पराठे बनते हैं। और आप जब भी आटा गूंथते हैं ना उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया करें या बटर ऐड कर दिया करें, उसके साथ थोड़ा सा पिंच सॉल्ट, अगर आपको अच्छा लगे तो सॉल्ट ऐड कर दें, तो फिर आप आटा गूंदा करें, बहुत ही सॉफ्ट पराठे बनते हैं, इतने मज़े के पराठे बनते हैं ना, तो ये ज़रूर आप एक बार ट्राई करके देखना। तो बस अभी इस तरह से आज ना मैंने कहा इसी तरह से लच्छेदार पराठा बनाती हूँ, वैसे तो मैं सिंपल सा पराठा बना देती होती हूँ, तो कभी कभार बहुत दिल कर रहा था लच्छेदार पराठा बनाने का,
तो बस ये यहाँ पर मैंने रेडी कर दी है, ताकि बस थोड़ी देर तक ना मैं इसको बेल कर तो पराठा बना दूँगी। उसके साथ ना मैंने यहाँ पर चाय रख दी थी। चाय मस्त होती है इस टाइम। पहले कभी मैं चाय नहीं लेती थी सहरी में, लेकिन अब मैंने थोड़ी से स्टार्ट की है थोड़ी चाय लेना साथ में, क्योंकि एक तो इस टाइम ना बहुत हेडेक हो रहा होता है और मैं सोती भी नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ी सी चाय पी के तो फिर सो जाऊँगी। और मैं वैसे भी सेपरेट टी लेती हूँ, मुझसे ना दूध पत्ती वाली चाय बिल्कुल नहीं पी जाती। मैं पहले पिया करती थी और मैंने बिल्कुल छोड़ दी भी है, मुझसे नहीं वो चाय मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और मैंने कैटल भी अभी दोबारा से न्यू ली है, इससे पहले यही वाली कैटल मैंने ली थी तो वो विद इन 3 वीक्स के अंदर मुझसे टूट गई थी। इतनी फ्रेजाइल है कि इसको वॉश करते हुए ना, तब भी मुझसे वॉश करते हुए हाथ से स्लिप हुई है तो टूट गई। तो इस पर बहुत कोशिश कर रही हूँ ये मुझसे ना टूटे। और ये हाफ़ एंड हाफ मिल्क मैं यूज़ कर रही हूँ चाय में ना, इसे भी यही ऐड करूँगी। और मूला हाफ एंड हाफ है, ये बहुत अच्छा है, इसका इतना मज़े का टेस्ट आता है चाय में। मैंने इतने ज़्यादा हाफ एंड हाफ ट्राई की है, लेकिन ये वाला ब्रांड बहुत अच्छा है। जो उस्मान के लिए ना, यहाँ पर मैंने डार्क ऑलिव ऑयल थोड़ा सा डाला था, और उस पर बस ये जो मैंने ऑट मिल का मिक्सचर बना के रखा था ना, तो बस इसको डाल देना, तो ये पकता रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता से पक जाएगा ना, तो ये रोटी सी बन जाएगी। एक ऑयल थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा लगता है डल गया है। एनीवेज तो नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी। तो बस अपने लिए यहाँ पर बस अब मैं पराठा भी बना लूँगी, क्योंकि अभी टाइम हो रहा था। और जिस दिन ना ये शूट करना होता है ना, वीडियोस वगैरह व्लॉग बनाने होते हैं ना, तो उस दिन हमेशा लेट हो जाती हूँ मैं, क्योंकि व्लॉगिंग के साथ साथ वीडियो बना रही हैं आप, साथ साथ काम भी करना है ना, तो वो डबल डबल जब जगह पर मुझे होना पड़ता है तो मैं अक्सर लेट हो जाती हूँ। ये न्यू तवा में लेकर आई थी रोटियों के लिए, और स्पेशली रमज़ान के लिए, ताकि पराठे अच्छे अच्छे इसके ऊपर बने। और सोचा हुआ था इसके ऊपर मैं एग वगैरह कोई चीज़ फ्राई नहीं करूँगी, ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल नहीं बनाऊँगी, क्योंकि इससे ना ऑयल की ज़्यादा ऑयल की वजह से ना तवा और पैन ख़राब हो जाते हैं। लेकिन मैंने फिर भी उस पर एग फ्राई कर दिया। मैंने कहा मैं दोबारा से जाके फ्राइंग पैन निकालूँ, उस पर फ्राई करूँ, तो मैंने कहा इसे वर्क फिर कर देती हूँ। इसी वजह से ना मेरे हमेशा पैन और तवा ख़राब हो जाता है। और अगर तवा ख़राब हो ना, उसके ऊपर धुआं ज़्यादा बनता है जब आप पराठे फ्राई करते हैं, तो घर में धुआं होने की वजह से ना सायरन लगे हुए हैं हमारे घर में, तो वो ऑन हो जाते हैं, उसकी इतनी आवाज़ आती है। तो फिर उसकी वजह से ना मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा एक तो हीट पे पराठे ना बनाऊँ, और अगर बना रही हूँ तो उसके लिए जो तवा है ना वो ख़राब ना हुआ हो। तो बस यहाँ पर सारी सहरी मैंने बना ली थी, और उस्मान भी उठ के आ गए थे, और बस हम अभी सहरी करेंगे। तो अभी जो है ना, हम लोग अपनी डाइनिंग टेबल नहीं यूज़ करते हैं, बिल्कुल नहीं यूज़ करती मैं, तो बच्चों का भी नहीं यूज़ करने देती। वहाँ पर बैठ के हम लोग ना डिनर करते हैं, ना ब्रेकफास्ट, कुछ भी नहीं। जो खाना पीना हम लोगों ने यहाँ पर आइलैंड पे ही सब कुछ रखते हैं, यहीं पे खाते हैं। जब से मैंने ये स्टूल्स लिए ना, आइलैंड स्टूल्स, तो यहाँ पर इतना मुझे फ़ायदा हो गया कि यहीं पे मैंने बर्तन रखने हैं, यहीं से उठा के तो बस मैंने वॉश कर देने हैं। और इसके लिए मुझे बार बार बाहर नहीं जाना पड़ेगा, चीज़ें उठा के अंदर लेके आओ बाहर लेके आओ, तो इससे ना बहुत काम ना आधा आधे से ज़्यादा काम हो जाता है। तो यहाँ पर ही बस हम लोग सहरी करके, तो बस यहीं से मैंने बर्तन उठाने और वॉश कर देने। और यहाँ पर मैंने चोबानी ग्रीक योगर्ट ले लिए थे थोड़ी सी, मैंने कहा खा लेती हूँ, क्योंकि सालन थोड़ा सा स्पाइसी लग रहा था। और खाने के बाद ये होता है कि ना, अक्सर रोज़े में आपको बर्निंग होना शुरू हो जाती है, मुझे था कि बर्निंग ना कहीं हो, तो मैं थोड़ी सी योगर्ट साथ ले लेती हूँ। और चाय बनाई थी, लेकिन मेरा फिर चाय पीने को दिल नहीं किया, क्योंकि योगर्ट खा ली थी तो अजीब सा कॉम्बिनेशन हो जाना था योगर्ट के साथ चाय का। तो उस्मान ने चाय पी ली थी और फिर मैंने चाय नहीं ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी जो सहरी थी वो हो चुकी है, और अब मैं जो है ना किचन को सारा क्लीन कर दूँगी। इफ्तार के बाद तो वैसे मैं सारा किचन क्लीन करके जाती हूँ, लेकिन इस टाइम पर जो बर्तन होते हैं ना, वो भी मैं साथ में मशीन में लगा देती हूँ। पहले तो था कि मैं रात को मशीन ऑन करके सोती थी, लेकिन अब जो है ना मैं सहरी तक वेट करती हूँ, और सहरी के जितने बर्तन होते हैं ना, वो भी मैं मशीन में लगा देती हूँ, तो मुझे ना बहुत आसानी रहती है, हाथ से ज़्यादा बर्तन ही धोने पड़ते। और मेरी कोशिश इस टाइम मेरी कोशिश होती है कि बस मैं जल्दी जल्दी जा के ना सो जाऊँ, जितना काम है ना मेरा वो डन हो जाए किचन का। तो बस यहाँ पर सारे बर्तन मैंने मशीन में लगा दिए थे, कुछ जो थे हाथ से वॉश होने वाले उनको मैंने हाथ से वॉश कर दिया था, और सिंक को भी मैंने थोड़ा बहुत क्लीन कर दिया था। मुझे लग रहा था काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा है, और इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है अगर मैं जो पिंक स्टफ़ है ना ना यूज़ करूँ ना 2 दिन तक, तो काफ़ी ज़्यादा ये इसका जो स्टील है ना वो येलो होना शुरू हो जाता है।
तो बस यहाँ की सहरी हमारी बस इस तरह से थी। तो पाकिस्तान की सहरी में ज़्यादा थोड़ा डिफरेंस इस तरह का आ जाता है कि वहाँ पर 5 वक्त आपको अज़ान सुनने को मिलती है, और फजर के टाइम की जो अज़ानें हैं ना वो इतनी खूबसूरत लगती हैं, आपकी उनकी आवाज़ इतनी अच्छी लगती है ना, कानों को बहुत अच्छा सुकून सा मिलता है आपको वो सुन के। हमारे यहाँ पर बाहर बिल्कुल भी अज़ान नहीं होती, और दूर दूर तक पता नहीं कौन से मुसलमान हैं यहाँ पर, रहते हैं कि नहीं रहते, पता नहीं किस किस कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ पर। तो हमारे साथ वालों घर में भी चाइनीज़ आई थिंक हैं, मतलब इस तरह से ना डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं। तो वो ऑब्वियसली कोई भी यहाँ पर नहीं इस टाइम उठा होता फजर के लिए कि नमाज़ पढ़ें या अज़ान सुन रहे हैं। खैर, तो बस ये चीज़ें मिस की जाती हैं यहाँ पर। लेकिन हमने ना घर में अलेक्सा डिवाइस रखी है, जो 5 वक्त अल्हम्दुलिल्लाह से अज़ान उधर होती है, और बच्चे भी सुनते हैं, मैं भी सुनती हूँ, और ये बहुत ज़रूरी होता है घर में अज़ान होना। तो बस मशीन के अंदर ना मैंने ये सोप लगा दिया था डिश वॉशर के अंदर, और इसको बस मैं ऑन कर दूँगी। 3 घंटे ये चलती है मशीन, और 3 घंटे के अंदर अच्छा खासा ये बर्तनों को वॉश करती है, फिर सैनिटाइज भी करती है, ड्राई भी करती है। तो ये बस चलती रहेगी, तो जब तक मैं उठूँगी सुबह तो बर्तन अच्छे खासे वॉश हुए होंगे। तो बस मैंने किचन की लाइट्स कर दी थी ऑफ, किचन सारा हो गया था क्लीन, और अब मैं पढ़ लूँगी नमाज। नमाज मैंने पढ़ ली है, और अभी मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ बाहर, थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाती हूँ। इस टाइम मॉर्निंग हो रही है, सनराइज़ हो रहा है, और बाहर ना परिंदों की बहुत आवाज़ें आ रही थी। तो बहुत पुरसकून सा बाहर का मौसम है, और बहुत ही अच्छा है बाहर, काफ़ी टेम्परेचर लो है, सर्दी भी अच्छी खासी है बाहर। तो एक साइड पर ना अगर आप देखें तो ये साइड जो है ना ये डार्क है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ना डार्क था, और ऐसा लगता है इस साइड पर भी रात है काफ़ी। लेकिन जो दूसरी साइड है ना वहाँ से पता चल रहा था कि सनराइज़ हो रहा है, और हल्की हल्की सी ना वहाँ पे देखे रोशनी आ रही थी। तो मेरे ख्याल से 20 मिनट्स तक तो बिल्कुल सनराइज़ हो जाएगा, और अच्छी खासी जो लाइट है ना वो आ जाएगी। तो बहुत अच्छा बाहर का इस टाइम का ना नज़ारा लग रहा था, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो बस यहीं पे अपने व्लॉग को भी मैं एंड करूँगी, और कैसा लगा है आपका व्लॉग कमेंट सेक्शन पे मुझे आपने ज़रूर बताना है, अपने रिव्यूज़ भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करने हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग पे, अपनी दुआ में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा इस रमज़ान, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। अल्लाह हाफिज़।